देखा मैडम बच्चे कहीं तोड़ नहीं गए। डरो जी ये जो आपने अभी वीडियो देखा ये एक स्कूल का वीडियो है, लेकिन अब आप कहेंगे कि अगर स्कूल का वीडियो है तो ब्लैक बोर्ड कहाँ है, बेंच कहाँ है। तो आपको बता दें कि एक सरकारी स्कूल का वीडियो है, बाकी अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखा मैडम बच्चे कहीं तोड़ नहीं गए। डरो जी ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है राजधानी जयपुर के करतारपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का। वायरल वीडियो कब का है इसकी जानकारी तो फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने की वजह ब्लैक बोर्ड या फिर बेंच का होना नहीं, बल्कि वजह तो कुछ और ही है। तो चलिए आपको इस वीडियो के वायरल होने की वजह बताते हैं। कमरे में एंट्री करते ही एक शिक्षिका कुर्सी पर बैठी दिखी, लेकिन जैसे ही कैमरा आगे बढ़ा तो देखिए कैसे एक शिक्षिका महोदय जमीन पर पेट के बल लेटी है और बच्चे उनके पैरों को दबा रहे हैं। वहीं कुछ बच्चे बगल में अपनी किताबें खोलकर बैठे हैं। अब स्कूल में पैर दबाने का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद लोग राजस्थान के सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो पर लोगों की तरह तरह की टिप्पणियां सामने आने लगी हैं। लोग सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वायरल वीडियो की जानकारी देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल अंजू चौधरी का कहना है कि छात्रों के द्वारा शिक्षिका के पैर दबाने का वीडियो मेरे पास भी आया है, लेकिन वीडियो कब का है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। शिक्षिका की तबीयत खराब है या फिर वो वाकई में ही पैर दबा रही है, इस बात की जांच की जानी चाहिए। वायरल वीडियो पर भी अभी तक स्कूल और शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस तरह के वीडियो ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के आचरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं।